हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर जशन एंड दिस क्लास विल बी ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंडियन पॉलिटी। स्टूडेंट्स, यू कैन सब्सक्राइब टू अर्पिता शर्मा क्लासेस फॉर डेली न्यूज एनालिसिस, इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, MCQs, स्ट्रेटजी क्लासेस फॉर UPSC, CSE, इम्पॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी टॉपिक्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस एंड मच मोर। You can also join our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease, for class updates and notes. Arpita ma'am is taking live classes on Unacademy Plus. Please use code SHARMA20 to get 10% discount. Now let's start our topic for today, which is Uniform Civil Code, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा लॉ के बारे में देख लेते हैं। तो लॉ को ब्रॉडली हम दो तरह के लॉ में डिवाइड कर सकते हैं, एक है क्रिमिनल लॉ, एक है सिविल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ क्या होता है? इट्स दैट बॉडी ऑफ लॉ विच रिलेट्स टू क्राइम। ठीक है, कि अगर मतलब जैसे कहीं कोई मर्डर हुआ है, थेफ्ट हुई है, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर, ऐसे केसेस के साथ, तो क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि जो अकर्स्ड होता है उसको कोई ना कोई उसको पनिशमेंट दी जाती है, और जो वो पनिशमेंट है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ पर्सन्स रिलीजन। ठीक है, जैसे कि अगर मर्डर की सजा है तो वो रिलीजन पे बेस्ड नहीं है, कि अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक हिंदू पर्सन ने मर्डर किया है, या एक मुस्लिम पर्सन ने, या एक पारसी पर्सन ने मर्डर किया हो, तो उन तीनों के लिए अगर उनका जो क्राइम है वो प्रूव हो जाता है तो तीनों की जो जो सजा मिलेगी वो सेम मिलेगी, वो उनके रिलीजन पे डिपेंडेंट नहीं होगी। इसलिए ये कहा जाता है कि जो क्रिमिनल लॉ है वो यूनिवर्सली अप्लाइड लॉ है, क्रिमिनल लॉज। और दूसरी साइड हम देखते हैं सिविल लॉज। सिविल लॉज किसके साथ रिलेटेड होते हैं? दे रिलेट टू सिविल इश्यूज लाइक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एटसेट्रा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जैसे दो भाइयों में इन प्रॉपर्टी को रिलेटेड कोई इशू हो जाए, या प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के टाइम कोई इशू हो जाए, या वैसे ही पैसे के लेन देन को लेकर कोई इशू होगा, तो वो सिविल लॉज के अंडर आएगा। मोस्टली जो सिविल लॉज हैं वो भी रिलीजन पे डिपेंड नहीं करते, एक्सेप्ट फॉर पर्सनल लॉज। ठीक है, पर्सनल लॉज इसमें एक्सेप्शन है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सिविल लॉज यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं है। पर्सनल लॉज कैसे होते हैं स्टूडेंट? जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट। हमारे इंडिया में क्या है कि डिफरेंट रिलीजन्स के जो पर्सनल लॉज हैं, जैसे कि उनकी मैरिज के रिलेटेड या अडॉप्शन के रिलेटेड, इनहेरिटेंस के रिलेटेड, वो अलग अलग हैं। जैसे हिंदू रिलीजन में मैरिज के लिए अलग लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट। मुस्लिम रिलीजन में मुस्लिम मैरिज के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम डाइवोर्स का अलग से लॉ है। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं? ये पर्सनल लॉज में आते हैं, जो के रिलीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट है। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है? इट प्रपोजेस टू रिप्लेस द पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स एंड कस्टम्स ऑफ ईच मेजर रिलीजियस कम्युनिटी इन इंडिया विद द कॉमन सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग एवरी सिटीजन। हमने अभी देखा ना कि जो पर्सनल लॉज हैं इंडिया में वो क्या हैं? डिफरेंट रिलीजन्स के लिए अलग अलग हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है कि ये जो पर्सनल लॉज हैं बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स एंड कस्टम्स ऑफ ईच मेजर रिलीजियस कम्युनिटी इन इंडिया, दैट इज इंडिया में जो डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं, उनको हमने क्या करना है? उनको हमने रिप्लेस करना है विद अ कॉमन सेट ऑफ रूल्स, जो के क्या हो, जो के सब पे अप्लाई हो, गवर्निंग एवरी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर रिलीजन। तो सबसे पहली बात क्या है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये सारे सिविल लॉज के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये किसके साथ रिलेटेड है? ये सिर्फ पर्सनल लॉज के साथ रिलेटेड है। पर्सनल लॉ स्टूडेंट्स क्या थे? सिविल लॉज के अंदर एक सबसेट था। ठीक है, सिविल लॉज के अंदर एक सबसेट था पर्सनल लॉज का, उसके साथ रिलेटेड है ये। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है कि जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, उनको हमने रिप्लेस करना है एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स के साथ। ठीक है, मतलब ऐसे लॉज लेकर आने हैं पर्सनल लॉज जो सब पे अप्लाई हो और डिफरेंट रिलीजन्स के लिए अलग अलग ना हो। तो अब पर्सनल लॉज में क्या क्या इश्यूज कवर होते हैं? उसमें मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन और मेंटेनेंस, ऐसे इश्यूज कवर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ये
यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका बेस कहाँ पर है? इट इज बेस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमें पता है जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44, वो क्या कहता है? द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के टाइम से ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में ये था कि जब कंडीशंस अप्रोप्रिएट हो तब हमारे इंडिया के लॉ मेकर्स को ऐसा करना चाहिए कि जो अलग अलग पर्सनल लॉज हैं उनको रिप्लेस करके आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ। ठीक है, तो पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन उठता है कि जब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो तभी क्यों नहीं लागू किया गया? स्टूडेंट्स, तब जो इंडिया की कंडीशंस थी पार्टीशन के कारण, या एक बहुत अनरेस्ट आया हुआ था, बहुत ज़्यादा ये किलिंग्स हुई थी पार्टीशन के टाइम पे, तो तब सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि ये वाली चीज़ लाई जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए जो अलग अलग रिलीजन्स के अलग पर्सनल लॉज हैं उनको ख़त्म करके एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स लाया जाए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए पहले भी कुछ एफर्ट्स हुए हैं कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं कि एक तो जो पर्सनल लॉज हैं डिफरेंट रिलीजन्स के, वो क्या होता है कि जनरली वो थोड़े से फीमेल्स के अगेंस्ट चले जाते हैं, फीमेल्स रिसीविंग एंड में होती हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात क्या है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स आएंगे, तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा कि जो लॉज हैं डिफरेंट रिलीजन्स के उनकी कोडिंग की जाएगी। कोडिंग मतलब उनको विस्तार से लिखना। ठीक है, तो पहले क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के पर्सनल लॉज के साथ, ये रिलीजियस मैटर्स के साथ इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो 1941 में एक क्या आता है, बी एन राव करके कमेटी बनती है जिसको हिंदू लॉ कमेटी भी कहा जाता है। तो इसने क्या किया था, इन्होंने इट सजेस्टेड कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉज इन अकॉर्डेंस विद द स्क्रिप्चर्स टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू वुमेन। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पर्सनल लॉज में हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल होने के कारण जो वुमेन है वो रिसीविंग एंड पे रहती हैं, कि जैसे इनहेरिटेंस में उन्हें बराबर का हिस्सा नहीं मिलता था। ठीक है, फिर क्या होता था कि कई बार अगर हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया तो उसके लिए मेंटेनेंस की प्रॉपर प्रोविजन नहीं थी। तो अगर हमारे लॉज जो हैं पर्सनल लॉज चलते तो वो स्क्रिप्चर्स के हिसाब से हैं, अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से कोडिफाई नहीं किया जाएगा, लिखा नहीं की जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होता था कि उस केस में अगर किसी मैजिस्ट्रेट के पास कोई केस जाता है तो वो उनकी सब्जेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता था कि वो इस चीज़ को कैसे समझते हैं। ठीक है, अगर लॉज सारे के सारे कोडिफाई होंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक फिक्स्ड सेट ऑफ रूल बन जाएगा ना। ठीक है, फिर सब्जेक्टिविटी की जो है प्रॉब्लम कम हो जाएगी, कि मतलब फिर चीज़ें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाएंगी। तो ये था कि जो बी एन राव जी के अंडर हिंदू लॉ कमेटी बनी, तो उसने सजेस्ट किया कि जो हिंदू पर्सनल लॉज हैं उन सबको कोडिफाई किया जाए स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ही, ताकि विमेन को इक्वल राइट्स मिल सके। ठीक है, तो उस टाइम में भी लेकिन हिंदू कोड को पास करना मतलब इतना आसान नहीं था, तो इसके लिए इसको काफ़ी स्टेप्स में, फेजेस में पास किया गया। जैसे हिंदू मैरिज बिल आया 1955 में जो फिक्स्ड रूल्स बना दिए गए, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956 में, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस बिल लेकर आए 1956 में। ठीक है, तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि वाई पर्सनल लॉज ऑफ ओनली हिंदूज वर कोडिफाइड एंड नॉट ऑफ होल पॉपुलेशन, कि उस टाइम उन्होंने सिर्फ हिंदू लॉज की कोडिफिकेशन ही बात क्यों की, बाकी कम्युनिटीज के लॉज को टच क्यों नहीं किया? तो उसके लिए जी आर राजा गोपाल जी के ऐसे व्यूज हैं, इट वॉज थॉट दैट इफ दिस अटेम्प्ट सक्सीडेड अदर कम्युनिटीज विल ऑल्सो फॉलो सूट एंड आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ देयर ओन लॉ इन द लाइट ऑफ चेंज सिचुएशंस। तो ये तो बात क्लियर थी कि ये पर्सनल लॉज को टच करना इतना आसान काम नहीं है, तो उन्होंने ये सोचा कि कहीं से शुरू करते हैं कि लेट अस कोडिफाई हिंदू लॉज एंड इफ दिस अटेम्प्ट इज सक्सीडेड, अगर ये स्टेप सक्सीड हो जाता है हमारा तो हो सकता है कि बाकी कम्युनिटीज भी अपने आप उनके लॉज को रिकंसिडर करने की बात करें और अपने लॉज को कोडिफिकेशन करना चाहें अपने पर्सनल लॉज का। ठीक है, तो पहले हमने देख लिया बी एन राव कमेटी।
तो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके बाद एक आता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। हमने पहले देखा है ना पर्सनल लॉज जो है वो मैरिज के साथ रिलेटेड है, मैरिज अडॉप्शन मेंटेनेंस एटसेट्रा। तो क्या है मतलब हिंदू पर्संस के लिए मैरिज का अलग से एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, और मुस्लिम पर्संस के लिए अलग है। तो एक स्पेशल मैरिज एक्ट बना दिया गया जिसमें क्या था कि दो लोग शादी कर सकते थे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, प्रोवाइड्स मैरिज ऑफ एनी टू सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। सॉरी, तो इसमें क्या था, एनी इंडियन कैन मैरी आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ एनी रिलीजियस पर्सनल लॉ, के कोई भी इंडियन सिटीजन अगर अपने रिलीजियस पर्सनल लॉज के अंदर मैरी नहीं करना चाहता तो वो, ये एक कॉमन एक्ट है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर कोई भी दो इंडियन सिटीजन आपस में शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक हमारा ये है शाहबानो केस। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मैटर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों आना चाहिए और क्या क्या इश्यूज हैं इसमें, इसको समझने के लिए शाहबानो केस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये क्या था कि जो ये शाहबानो बेगम जी हैं, इनकी शादी हुई थी एम ए खान के साथ 1932 में। ठीक है, एंड शी वॉज गिवन इरिवोकेबल तलाक इन 1978। ठीक है, मैंने डेट्स इसलिए मेंशन की हैं ताकि आपको पता चल सके कि कितने सालों बाद, मतलब शी वॉज डाइवोर्स्ड आफ्टर 46 ईयर्स ऑफ हर मैरिज। तो जाहिर सी बात है कि तब तक वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी होंगी, ठीक है, और अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती थी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ हर डाइवोर्स शी वॉज ओल्ड पुअर एंड शी वॉज नॉट एबल टू मेंटेन हर सेल्फ। तो क्या हुआ, उनको घर से निकाल दिया गया था बाहर। ठीक है, ये इरिवोकेबल तलाक, ट्रिपल तलाक देकर। तो ये शाहबानो जी क्या करती हैं, ये मेंटेनेंस डिमांड करती हैं मतलब अपने हस्बैंड से। तो फिर क्या होता है कि एम ए खान जो हैं वो इनको मेंटेनेंस देने से इनकार कर देते हैं। क्यों, बिकॉज ही सेड दैट देर इज नो प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम मैरिज एक्ट। ठीक है, तो जब ये मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करती हैं तो इनकी जो शादी है वो मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हुई होगी। तो मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या है कि मेंटेनेंस की कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, वो मुस्लिम मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस को इस्लाम के अगेंस्ट माना जाता है। तो इसमें क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे ये समझने की बात है कि देखो इस पॉइंट पे हम ये समझ सकते हैं कि रूल्स जो हैं वो अलग अलग पर्सनल लॉस के अलग अलग हो रहे हैं। जैसे जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें क्या है, उसमें हस्बैंड को डाइवोर्स के बाद अपनी वाइफ को अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही तो मेंटेनेंस देनी ही देनी होगी। ठीक है, लेकिन ये मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या लिखा है कि आपको मेंटेनेंस नहीं देनी है। ठीक है, तो जो एम ए खान है इनका कहना था कि मैं तो एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जब मुस्लिम मैरिज एक्ट में ही मेंटेनेंस की प्रोविजन नहीं है तो मैं नहीं दे सकता। ठीक है, तो उसके बाद क्या था मतलब इन्होंने इन ये और इन इनके लॉयर ने मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किया अंडर सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि क्रिमिनल लॉज किस पे एप्लीकेबल है, सब पे इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मतलब कोई किसी भी रिलीजन का पर्सन होगा तो उस पे क्रिमिनल लॉज एप्लीकेबल होंगे। तो ये है जो सेक्शन 125, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन्स। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 125 क्या कहता है। सेक्शन 125 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का एक सेक्शन है जो कि ये कहता है कि ए पर्सन हैविंग सफिशेंट मीन्स हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग हिज वाइफ, माइनर चिल्ड्रन और पेरेंट्स हु आर अनएबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। कि अगर कोई पर्सन जो है जिसके पास सफिशेंट मीन्स हैं तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि उसे अपनी वाइफ को मेंटेन करना है, माइनर चिल्ड्रन को और पेरेंट्स को मेंटेन करना है अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 125 में स्टूडेंट्स जो ये वाइफ है, वाइफ में डाइवोर्स्ड वाइफ्स भी आती हैं कि डाइवोर्स के बाद भी हस्बैंड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे, मतलब उनको खर्चा पानी, बच्चों की फीस, मतलब उनको मेंटेनेंस देनी होगी हस्बैंड को। तो क्या था कि शाहबानो जी अपने आप को मेंटेन तो कर नहीं पा रही थी, हमने देखा कि उनकी एज काफी ज्यादा है। तो
उनको जो कोर्ट है उनकी तरफ से मेंटेनेंस ग्रांट कर दी जाती है सेक्शन 125 के अंडर। उनको मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंडर मेंटेनेंस नहीं मिलनी थी, लेकिन सेक्शन 125 के अंडर मेंटेनेंस मिल जाती है। तो क्या था कि ये केस आगे की आगे हाई कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो वहां पे एक जो एम.ए. खान है, इनके हस्बैंड, वो बोलते हैं कि ये जो है एक क्वेश्चन ऑफ लॉ बन रहा है इसमें, कि सेक्शन 125 जो है वो बोल रहा है कि आपको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देनी है, लेकिन जो पर्सनल लॉ ऑफ मुस्लिम्स है, मुस्लिम मैरिज एक्ट, वो बोल रहा है कि मेंटेनेंस का कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो इस केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ जो था वो ये सामने आता था कि सेक्शन 125 इज वायोलेटिंग पर्सनल लॉ ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, तो इनका कहना था कि सेक्शन 125 जो है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए ये, मतलब एम.ए. खान जी का ये कहना था कि ये मुझे प्रॉपर तरीके से मेरा रिलीजन फॉलो करने के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, इसलिए मैं इसके अंडर मेंटेनेंस नहीं दूंगा। तो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो ये दिया था कि जो द होली कुरान है उनमें ही ये मेंशन किया हुआ है कि इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन टू टेक केयर ऑफ वुमेन, कि खुद द होली कुरान में ये मेंशन है कि आदमी को अपनी वाइफ की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी टेक केयर करे। ठीक है, तो सेक्शन 125 क्या कहता है? सेक्शन 125 भी तो यही कहता है ना कि इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू मेंटेन हिज वाइफ। तो इस तरीके से क्या हुआ, सो सेक्शन 125 इज इन द सेम स्पिरिट एज इस्लामिक लॉ। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रूव किया कि जो सेक्शन 125 है वो इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट नहीं है, वो उसी की स्पिरिट में है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत हिस्टोरिक जजमेंट थी। इस जजमेंट से क्या हुआ कि उनको मेंटेनेंस ग्रांट भी हुई शाबानो जी को, और क्या हुआ कि सेक्शन 125 जो था इट वॉज मेड एप्लीकेबल टू मुस्लिम वुमेन। तो इस जजमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि जो सेक्शन 125 है वो मुस्लिम वुमेन को भी अप्लाई होगा। ठीक है, कि जो हस्बैंड्स हैं उनको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देनी पड़ेगी सेक्शन 125 के अंदर देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसमें शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस इसलिए देखनी जरूरी है क्योंकि इनसे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होना चाहिए इंडिया में, ठीक है, ये केस सामने आता है कि क्यों होना चाहिए, उसके मेरिट्स आएंगे आपके सामने। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट दैट आर्टिकल 44 हैज रिमेंड अ डेड लेटर। आर्टिकल 44 किसके रिलेटेड था? यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिलेटेड था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कुछ नहीं किया गया, इसलिए अब तक वेमेन के साथ जो है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ठीक है, दे आर एट रिसीविंग एंड इन पर्सनल लॉस। उसके बाद क्या था, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड विल हेल्प द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग लॉज विद कंफ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हम जब एक ही कंट्री के नागरिक हैं तो अलग अलग पर्सनल लॉज क्यों, अगर हम अलग अलग पर्सनल लॉज को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिप्लेस कर देंगे तो इट विल हेल्प इन द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ये इंडियन सोसाइटी की इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा, और जो लॉज हैं, अलग अलग तरीके के लॉज हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंफ्लिक्टिंग हैं, वो भी चले जाएंगे। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो सेड दैट द स्टेट इज चार्ज्ड विद ड्यूटी ऑफ सिक्योरिंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आना इंडियन स्टेट की ड्यूटी है। और क्या है, इंडियन स्टेट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस भी है, और इंडियन स्टेट जो है वो कॉम्पिटेंट भी है, वो ला भी सकती है। ठीक है, वी अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग पर्सन ऑफ डिफरेंट फेथ्स ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसमें जो डिफिकल्टीज इन्वॉल्व हैं हमें सब पता है कि डिफरेंट डिफरेंट फेथ्स के पर्सन को आपने एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है उन पर्सनल लॉज के हिसाब से, तो ये बहुत डिफिकल्ट है, बट कहीं ना कहीं से तो हमें कोई ना कोई बिगनिंग तो लानी पड़ेगी ना। सम बिगनिंग हैज टू बी मेड इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू हैव एनी मीनिंग, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इट्स द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, देखो कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पीसमील अटेम्प्ट्स ऑफ कोर्ट्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन पर्सनल लॉज कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। कि ऐसे देखो, जैसे शाहबानो जी अपना केस लेकर चले गए सुप्रीम कोर्ट तक, चला गया उनका केस, तो
तो उनको तो मेंटेनेंस दिलवा दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस होंगे जिसमें क्या होगा, वो वाला पर्सन आगे कोर्ट्स तक जाते ही नहीं होंगे और उनको मेंटेनेंस मिल ही नहीं पाती होगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि पीस मील अटेम्प्ट्स के हमारे पास जो केस आता है हम उनको मेंटेनेंस दिलवा देंगे, ठीक है, पर ये तो पीस बाय पीस ये अटेम्प्ट्स हैं जस्टिस दिलाने की, इट कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ अ कॉमन सिविल कोड, ठीक है। तो हम तो केस पे जस्टिस दे रहे हैं, जस्टिस टू ऑल इज फार मोर सेटिस्फैक्ट्री वे ऑफ डिस्पेंसिंग जस्टिस देन जस्टिस फ्रॉम केस टू केस, कि केस टू केस बेसिस पे जस्टिस देने से कहीं अच्छा है कि आप एक लॉ लेकर आए जो सब पे एप्लीकेबल हो और सब पर्सन को उसके अंडर जस्टिस मिले। इन ऑब्जर्वेशन के बाद अब हम देखते हैं कि चलो फिर ये मिसेस शाह पन्नू को तो सेक्शन 125 के अंडर मेंटेनेंस मिल गई और सेक्शन 125 हर मुस्लिम वुमेन पे एप्लीकेबल भी हो गया, लेकिन उसके बाद क्या आता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है स्टूडेंट्स कि ये 1985 की बात है, उस टाइम क्या था, उस टाइम सेंटर में राजीव गांधी जी की ये थी गवर्नमेंट थी, तो कुछ कम्युनल प्रेशर्स के अंदर आके राजीव गांधी जी कि जो गवर्नमेंट है वो एक लॉ पास कर देते हैं जिससे जो शाहबानो केस था उसकी जजमेंट बिल्कुल नलीफाई हो जाती है। गवर्नमेंट पास द लॉ नलीफाइंग द इफेक्ट्स ऑफ द जजमेंट, कि उन्होंने कैसा लॉ पास कर दिया जो ये सारा केस हुआ, इतनी जो सारी मेहनत हुई वो सारी की सारी जीरो हो गई। तो उस लॉ का नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन डाइवोर्स एक्ट 1986, ठीक है। तो इस लॉ से क्या हुआ, दिस लॉ मेड सेक्शन 125 नॉन ऑपरेबल फॉर मुस्लिम वुमेन, ठीक है। इस लॉ ने क्या कर दिया, ये कह दिया कि जो सेक्शन 125 है जिसके अंडर मेंटेनेंस देनी पड़ती थी दैट इज नॉन ऑपरेबल फॉर मुस्लिम वुमेन। स्टूडेंट्स देखो ये कितनी बड़ी आयरनी है, सबसे पहले तो ये बात कि जो क्रिमिनल लॉ है वो हर पर्सन पे एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली अप्लाइड है वो, ठीक है। तो फिर क्या था, लॉ का नाम है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन डाइवोर्स, और उसने क्या किया, उनकी जो मेंटेनेंस का राइट था वो उनसे छीन लिया, ठीक है। और ये लॉ ये प्रोविजन लेकर आया था कि जो मुस्लिम हस्बैंड्स हैं उनको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देनी होगी ओनली फॉर इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड होता है डाइवोर्स के बाद 3 अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स का पीरियड, कि उस टाइम तक ही सिर्फ अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देनी है, उसके बाद मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स इस लॉ को लेकर इंडियन सोसाइटी के हर सेक्शन में बहुत मतलब गुस्सा आया था, उनको बहुत अनरेस्ट हुआ था कि हिंदू राइट लेफ्ट द मुस्लिम्स एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सबने इस लॉ को बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया था, ठीक है। ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने तो देखो करना था, ये वुमेन के अगेंस्ट है काफी लॉ, पर जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी इस चीज को कंडेम किया था कि उन्हें लगा था कि ये दिस इज ए काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इन देयर पर्सनल लॉस, ठीक है। फिर लेकिन तब से उसके बाद क्या हुआ है, अभी तक यूनिफॉर्म सिविल लॉ इंडिया में नहीं आ चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया है। तो इसमें रीसेंट इश्यू क्या है, टाइम टू टाइम पे स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस आ रहे थे, ठीक है, मुस्लिम वुमेन की तरफ से और वुमेन एट लार्ज की तरफ से, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने लॉ कमीशन 21st लॉ कमीशन को बोला कि वो इस मैटर को एग्जामिन करें कि क्या अब टाइम ऐसा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं। 21st लॉ कमीशन वॉज आस्ड बाय लॉ मिनिस्ट्री टू एग्जामिन द मैटर एंड दे हैव गिवन अ रिपोर्ट, और लॉ कमीशन ने अभी रिपोर्ट दी है इसके बारे में, ठीक है। लॉ कमीशन का क्या कहना है, लॉ कमीशन का ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज, ठीक है। जो यूनिफॉर्म जो लॉ कमीशन है उन्होंने भी ये बोल दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस टाइम पे लेकर आना बहुत मुश्किल है, मतलब ना तो उसको लाने की जरूरत है और ना ही वो डिजायरेबल है। अब हम इसमें लॉ कमीशन के क्या ऑब्जर्वेशंस है वो देखते हैं। लॉ कमीशन का ये कहना है कि डिफरेंस डज नॉट ऑलवेज इम्प्लाई डिस्क्रिमिनेशन इन अ रोबस्ट डेमोक्रेसी। डिफरेंस क्या, पर्सनल लॉज का डिफरेंट होना, ठीक है। लॉ कमीशन का ये कहना है कि अगर इंडिया में डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटीज के पर्सनल लॉज डिफरेंट भी हैं तो इसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि किसी एक के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है,
क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का डिफरेंस जो होना, डिफरेंस डेमोक्रेसी का एक बहुत जरूरी अंग है, तो डिफरेंस को सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन नहीं मान लेना चाहिए, ठीक है? कल्चरल डाइवर्सिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रिजर्विंग यूनिफॉर्मिटी। स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो था उसने क्या करना था, उसने पर्सनल लॉज में यूनिफॉर्मिटी लेकर आनी थी ना, ठीक है? तो लॉ कमीशन का ये कहना है कि यूनिफॉर्मिटी लाने के चक्कर में हम इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उनका ये कहना है कि जो हमारे ये हैं डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, उनके कल्चर और उनके पर्सनल इश्यूज को रिलेटेड जो कानून है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है? हिंदू रिलीजन में अलग तरीके से शादी होती है, मुस्लिम रिलीजन में अलग तरीके से शादी होती है, कि कहीं ऐसा ना हो कि यूनिफॉर्मिटी लाने के चक्कर में हम इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को ही खराब कर लें, ठीक है? तो ये पॉइंट उन्होंने रखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के अगेंस्ट में। फिर एक और जो इसमें पॉइंट था वो ये था कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आते हैं तो वो सेकुलरिज्म में, ठीक है, सेकुलरिज्म को लाने में हेल्प करेगा, क्योंकि सारे रिलीजन्स के लिए सेम पर्सनल लॉज हो जाएंगे। तो इसमें भी लॉ कमीशन का यही कहना है कि सेकुलरिज्म शुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द प्लूरलिटी प्रेवलेंट इन द कंट्री। सेकुलरिज्म हैज मीनिंग ओनली इफ इट अश्योर्स एक्सप्रेशन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ डिफरेंस। के डेमोक्रेसी में सेकुलरिज्म का भी मतलब तभी तभी बनता है कि जब वो डिफरेंस को खत्म ना करे। लेकिन इसके साथ साथ लॉ कमीशन ने कुछ पॉइंट्स और रखे हैं। वो क्या कहते हैं कि सभी पर्सनल लॉज को चेंज करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मत लेकर आओ, लेकिन क्या है, जितने भी पर्सनल लॉज हैं उनको कोडिफाई करना चाहिए, ठीक है? सबके जो मतलब एक प्रॉपर कोड बना लिया जाए, एक प्रॉपर फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स हो कि इस केस में ऐसा ही होना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है, हिंदू पर्सनल लॉ ये कहता है, जो डाउट्स हैं जिनके कारण सब्जेक्टिविटी आ सकती है उनको रिमूव करने के लिए सारे पर्सनल लॉज को कोडिफाई कर दिया जाए, ठीक है? उनको रिप्लेस मत करो, लेकिन हर रिलीजन के पर्सनल लॉज को कोडिफाई कर दो। एक इन्होंने और बात कही है, द कमीशन हैज सजेस्टेड मेकिंग पॉलीगैमी अ क्रिमिनल ऑफेंस अप्लाइंग टू ऑल कम्युनिटीज। कमीशन का ये कहना है कि पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है, कि एक से ज्यादा पर्सन के साथ शादी करना। उनका कहना है कि पॉलीगैमी को पर्सनल ऑफेंस कर दो हर कम्युनिटी के लिए, ठीक है? हमारे इंडिया में ये मुस्लिम कम्युनिटी में पॉलीगैमी अलाउड है, ठीक है? लेकिन जनरली देखा क्या जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में पॉलीगैमी के इतने ज्यादा केसेस नहीं आते, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग कुछ एक और शादी करने के लिए इस रिलीजन में कन्वर्ट कर जाते हैं, ठीक है? तो एक तरीके से इस प्रोविजन को मिसयूज किया जा रहा है। तो लॉ कमीशन का ये कहना था कि पॉलीगैमी को हर कम्युनिटी के लिए क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया जाए। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने या ना लाने के फॉर और अगेंस्ट क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो इसके प्रोज में तो वो वाले पॉइंट्स आएंगे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में था, शाबानो केस की जजमेंट में। तो क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों आना चाहिए? क्योंकि इट विल प्रोवाइड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेकुलरिज्म। जब इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के पर्सनल लॉ सेम हो जाएंगे तो एक तरीके से ये नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा और सेकुलरिज्म लाने में, ठीक है? सेकुलरिज्म, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेकुलरिज्म क्या होता है, सेम रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट विल प्रोवाइड फॉर जेंडर इक्वेलिटी, जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ वुमेन, ठीक है? कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आने से कि जो ऐसी प्रोविजन है पर्सनल लॉज में जो वुमेन के अगेंस्ट जाती हैं वो चली जाएंगी, एंड इट विल प्रोवाइड फॉर जस्टिस एंड वेलफेयर टू द वुमेन। इट विल सिंप्लीफाई कंबरसम लीगल मैटर्स गवर्न्ड बाय पर्सनल लॉज, ठीक है? तो क्या है स्टूडेंट्स, लीगल मैटर्स जो पर्सनल लॉज के अंडर हैं वो बहुत कंबरसम है। इसमें क्या है कि पर्सनल लॉज की कोडिफिकेशन ना होने के कारण क्या होता है, देयर आर चांसेस ऑफ मोर सब्जेक्टिविटी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज। क्योंकि कोडिफिकेशन नहीं है तो जो पर्सन उस टाइम पे जजमेंट दे रहा है उसके उसके एटीट्यूड पे बहुत डिपेंड करेगा। तो इन जजमेंट्स में क्या, सब्जेक्टिविटी के केस बहुत ज्यादा आ जाता है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो क्या होगा, ये कंबरसम लीगल मैटर्स को भी आसान करेगा, ठीक है?
और एज पर सुप्रीम कोर्ट इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इनेक्ट इट, इट इज इंश्राइंड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो कभी ना कभी तो गवर्नमेंट को ये करना ही है, इट्स इट्स ड्यूटी, तो उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आना चाहिए। और इसके अगेंस्ट पॉइंट्स क्या हैं, जैसे लॉ कमीशन ने क्या है कहा है, इट कैन प्रोवाइड हिंड्रेंस टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो हमारी बहुत ही डाइवर्स मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी है, अगर हम उनके जो पर्सनल लॉज हैं उनको चेंज करके यूनिफॉर्म कोड ले आते हैं, तो हो सकता है कि ये इंडियन डाइवर्सिटी के लिए एक हिंड्रेंस लेकर आए। ठीक है, कि ये इंडियन डाइवर्सिटी के जो हमारी डाइवर्सिटी को खत्म करके एक जैसा सब कुछ लाने की कोशिश होगी। इंडिया क्या है स्टूडेंट, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रिजर्विंग यूनिफॉर्मिटी। ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट में था कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम कल्चरल डाइवर्सिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट क्या है, सेकुलरिज्म जो है वो प्लूरैलिटी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और एक और पॉइंट जो क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इट गारंटीज टू एवरी पर्सन राइट टू फॉलो हिज हर ओन रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हर पर्सन के पास राइट है, फंडामेंटल राइट है, कि वो अपना रिलीजन फॉलो करे, अपना कल्चर कस्टम से सब फॉलो करे। ठीक है, अलग अलग पर्सनल लॉज को खत्म करके एक यूनिफॉर्म कोड लेकर आना एक ऐसी अटेम्प्ट होगी कि वो उन पर्सन को अपना रिलीजन को फॉलो करने के लिए हिंड्रेंस डालेगी, उसके अगेंस्ट जाएगी। ठीक है, तो वो अपना ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट शायद अच्छे तरीके से एंजॉय ना कर पाए। इट इज लुक्ड अपॉन बाय मुस्लिम्स एज अ थ्रेट टू देयर आइडेंटिटी, एज मैनी बिलीव इट टू बी फेवरिंग द मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन एंड वायलेटिव ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फॉलो देयर ओन रिलीजन कल्चर एंड कस्टम्स। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, के बहुत सारे जो इंडियन सोसाइटी में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसको एक तरीके से अपनी आइडेंटिटी पे एक थ्रेट की तरह भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लॉ कमीशन का ये कहना था कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो व्यू पॉइंट है वो भी देखना चाहिए। तो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कितना बड़ा रोल था। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ये भली भांति पता था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना कितना मुश्किल स्टेप है। तो उनका ये कहना था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्योरली ऑप्शनल रख सकते हैं, कि हाँ हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आते हैं, लेकिन उसको मतलब हर एक पे फोर्सफुली अप्लाई नहीं कर सकते, और क्या करेंगे, ऑप्शनल रख दो, कि जो पर्सन चाहता है वो, अगर आप चाहते हैं तो आप अपने पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग चलें जो डिफरेंट रिलीजन्स के अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में आना चाहते हैं तो आप उसमें आ जाएं, बिल्कुल आप पे ऑप्शन होगा, ये आपके लिए ऑप्शनल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि धीरे धीरे जब लोगों को पता चलेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक बेटर ऑप्शन है, तो अपने आप इसके अंडर आते जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये मिडल पाथ सजेस्ट किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिलेटेड। थैंक यू सो मच।